नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा बब्बर द पावरफुल सोल आज आपके बीच एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, सिग्नेचर्स एंड राइटिंग। व्हाट आर सिग्नेचर्स एंड राइटिंग? दीज आर द मिरर ऑफ आर लाइफ। जी हाँ, कभी आपने ये सोचा कि किसी की राइटिंग बड़ी होती है, किसी की राइटिंग छोटी होती है, और कोई बहुत खुला लिखता है और कोई बहुत बंद लिखता है? कभी आपने नोटिस किया कि ऐसा क्यों है? जी हाँ, आज यही डिस्कस करने में आप लोगों के बीच में आई हूँ। 1-2% लोग ऐसे होते हैं जो कॉपी करते हैं किसी न किसी के सिग्नेचर्स। जी हाँ, और 98% लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं जो कुछ भी लिख देते हैं, जो मन में आया लिख दिया, जो मन में आया कर दिया, वही इम्प्रेशन होते हैं हमारे सिग्नेचर्स और राइटिंग के रूप में। जी हाँ दोस्तों, सिग्नेचर्स एंड राइटिंग एक ऐसी कला है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, जैसे आपके थंब के प्रिंट की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक उसी तरीके से एक ये भी यूनिक है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, और जिस तरीके से हमें नींद आ रही हो, और उस सबकॉन्शियस माइंड में ही भगवान हमें जो कहना चाहता है वो कहते हैं। खुली आंखों से वो हमें नहीं बताते कि उनको हमसे क्या कहना है, और वही सबकॉन्शियस माइंड में हमारी कॉस्मिक एनर्जीज जो होती हैं वो लैंड करती हैं। जी हाँ, इतना इम्पोर्टेंट होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सिग्नेचर्स मोस्टली लोग कहते हैं कि हम करते ही नहीं है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या आजकल ऑफिस गोइंग्स लोग हैं जो अपना आइडेंटिफिकेशन या अटेंडेंस अपनी कार्ड के थ्रू लगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे यही बोलते हैं कि हम तो सिग्नेचर करते ही नहीं है। तो सिग्नेचर्स दोस्तों हमें कहाँ करने होंगे जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो लर्निंग जाए? वो हमें करने हैं डेली अपने आप में। जी हाँ, आपको 10 बार दिन में कम से कम अपने सिग्नेचर्स करने चाहिए, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको खुद पता लग सके। जी हाँ, हम अपने टीचर खुद हैं। किस तरीके से? अगर आपने नोट किया हो, कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राइटिंग को लिखते हैं और कई बार वापस आ जाते हैं, कई बार ऊपर लेके जाते हैं, और कई लोग जोन लाइन से नीचे आ जाते हैं। कभी अगर आपने इस बारे में देखा हो, या आज आप अपने घर में बच्चों को देखिएगा, अगर हम कॉपी खोलते हैं, कॉपी के साइड पे एक लाइन होती है, कई बच्चे तो बिल्कुल लाइन से स्टार्ट करेंगे और कई बच्चे बिल्कुल बीच में से स्टार्ट करते हैं। उसका क्या मतलब है? हर छोटी से छोटी चीज आप अपने बच्चों में देख सकते हैं, आप खुद की अपनी हैंडराइटिंग में देख सकते हैं। जो हमारा डेली बिहेवियर है वो हमारी हर चीज हमारे सिग्नेचर्स में आती है। दोस्तों एक बात याद रखना, जब जब हमारे सिग्नेचर्स चेंज होते हैं, जब जब हमारी राइटिंग में चेंज आता है, इसका मतलब वो ऊपर वाला हमारी लाइफ में चेंज ला रहा है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम एक सिग्नेचर के बेसिस पे और राइटिंग के बेसिस पे कैसे सामने वाले को देख सकते हैं। कई बार ये होता है, लोग कहते हैं हमारा पैसा मर गया, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दे दिया। जी हाँ, आप ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं कि उनकी राइटिंग में क्या है। तो इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए ही मैं आपके साथ आई हूँ, और इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस अभी चलती चली जाएंगी। तो आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ, और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आएंगे आपकी और इस फील्ड में नॉलेज बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी। धन्यवाद।